सीटीवी के सीरियल मनमोहिनी में हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां केतकी ने अनन्या को मारा जोरदार तमाचा। असल में अनन्या नहीं चाहती कि केतकी और शिव की शादी हो और इसीलिए उसने चाल चली। उसने शिव की दादी बनकर अनन्या की दादी से बात की और ये बताया कि अनन्या हमें बहुत पसंद है। लेकिन जल्द ही अनन्या के इस प्लान का सबके सामने खुलासा हो गया और सबने उसको खूब खरी खोटी भी सुनाई। असल में अनन्या करती है शिव से प्यार और कहीं न कहीं उसे ये भी पता है कि शिव भी उससे प्यार करता है और यही बुलवाने के लिए वो सारे तिकड़म यूज कर रही है। अब देखना होगा कि क्या केतकी और शिव की शादी हो जाएगी या अनन्या इस शादी को तोड़ देगी। नजर केतकी ने लगाई है, नज़र पहले से लगी हुई है शिव और अनन्या के प्यार पे, ये तो कहा नहीं जा सकता क्योंकि केतकी तो सिर्फ एक जरिया है कि जो उसने सबको मना लिया शिव से शादी करने के लिए, पर नज़र हमारे प्यार पे पहले से लगी हुई है। जो सब लोग जानते हैं कि शिव और अनन्या एक नहीं हो सकते, एक होंगे तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, बहुत खतरा है मेरी ही जान को। तो ये बात शिव जानता है पर मैं नहीं जानती हूँ। तो मैं और मुझे पता है कि शिव मुझसे प्यार करता है, मतलब हर बार उसने ये प्रूफ किया है, बिना बोले उसने ये प्रूफ किया है कि वो प्यार करता है। तो ऐसे में मैं अपना भी दिल नहीं तोड़ सकती और उसको भी मजबूरी किसी से शादी नहीं करने दे सकती हूँ। सो दैट्स व्हाई मैं सारा सब कुछ कर रही हूँ मैं, क्योंकि शिव डायरेक्टली तो बोल नहीं रहा है तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि सबको पता चले कि शिव मुझसे प्यार करता है। तो ये सारा मैंने ड्रामा किया है कि उसकी दादी को अपनी मतलब उसकी दादी बनकर अपनी ही दादी को फ़ोन कर दिया है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है देखना कि आगे जब सबको पता चलता है तो सब कैसे रिएक्ट करेंगे इस बात पर और मेरा क्या होगा। कालिया थप्पड़ मारने पे तो क्या ही रिएक्शन होगा, थप्पड़ तो उसने मारा उसके बाद वो बड़बड़ करने चले गई। मैं उसकी भी फीलिंग समझ रही हूँ बट मैं जानती हूँ कि केतकी का प्यार नहीं शिव के लिए, उसे उसका क्रश है और शिव प्यार मुझसे करता है और मैं उससे करती हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं सही कर रही हूँ क्योंकि अपना प्यार को हासिल करना कुछ गलत बात नहीं होती है। कलर्स के सीरियल बहू बेगम में रजिया बेगम की तबीयत ठीक नहीं है और वो बेड से उठ भी नहीं पा रही। ऐसे में उनका सहारा बनती है नूर और ये कहती है कि आपका ख्याल मैं रखूंगी, वो भी बेटी बनकर। असल में आज है रजिया बेगम का जन्मदिन और ऐसे में नूर रजिया बेगम के साथ बैठी है और उन्हें सहारा दे रही है। वहीं दूसरी तरफ सीरियल में हो गई है एक नई एंट्री और ये है रजिया की बहू यानी खालिद की पत्नी, जो आते ही रजिया से उनके जन्मदिन के मौके पर रिटर्न गिफ्ट मांगती है। मेरा नाम रुबीना है, खालिद मेरे शौहर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है। हाँ, वो चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला नहीं है, जो है मुंह पर है बट बहुत गंदी तरीके से नहीं, बहुत मिठास से और बहुत तहजीब से सामने वाले का कत्ल कर सकती है, वैसा कुछ कैरेक्टर है और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे करते हुए। हाँ, तैयारी की है हमने, अब वो कुछ कर तो सकती है नहीं और फिर भी हम केक ले आए